इस इंटरव्यू में पूछा गया है दिल्ली में कि आप क्यों करना चाहते हैं, तो हमने वाइवा में ये जवाब दिया, मैंने कहा मुझे फिल्मों में जाना है। उन्होंने कहा ये तो नाट्य संस्थान है और आप फिल्मों में जाना चाहते हैं, तो हमने कहा कि ओ मुझे पता नहीं था कि ये नाट्य संस्थान है, मुझे लगा कि ये तो अभिनय का संस्थान है, क्योंकि आपने इसमें नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा लिखा हुआ है और आपके सिलेबस में कहीं ये बात नहीं है कि सिर्फ आप इसको नाटक वालों को ही प्रेशर देंगे। तो बोले कि मतलब मैं आपसे झूठ बोल के इंस्टीट्यूट में दाखिला लूँ, इससे बेहतर है कि दाखिला लेने के पहले मैं आपको सत्य बता देता हूँ कि मेरा और आपका रिश्ता 3 वर्ष का रिश्ता है, प्रशिक्षण का रिश्ता है, कि मेरा जो पैशन है जिसको मैं प्रोफेशन बनाना चाहता हूँ उसका मुझे एजुकेशन हासिल करना है। तो पैशन प्रोफेशन और एजुकेशन तो उनसे जब हो गया तो निकलने के बाद जब हम गए तो हर एक्टर के मन में इच्छा होती है कि कोई ऐसा किरदार आपको मिले जिसमें अभिनय करने की क्षमता हो, जिसके पास कोई बाहर से वैसी वाली सहयोग नहीं हो कि कोई बहुत बड़ा, हमारे दो सबसे प्रिय इस बुंदेलखंड के दो जिनको मैं बहुत प्रेम करता हूँ और वो मुझे चाचा कहते हैं, वो भतीजे से सत्य एक चाचा कहता है और एक बड़ा भाई मानता है, प्रिय गौरव से रोकिया और भी अक्षय भार्गव यहाँ पर बैठे हुए हैं। तो मैं ये एक नीति और ये आपके लिए काम आएगी। कविता मैंने आपकी सुना दी, एक और बहुत हमारे एक शायर हैं सूरज राय सूरज, तो वर्षों तक वन में घूम घूम बाधा उन्हों को झूम झूम सहो अब पानी पत्थर पांडव आए कुछ और निखर सौभाग्य में सब दिन सोता है देखें आगे क्या होता है। वर्षों तक वन में घूम घूम बाधा दिनों को चूम चूम सतु काम पानी पत्थर पांडव आए कुछ और निखर सौभाग्य में सब दिन सोता है देखे आगे क्या होता है। मैत्री की राह बताने को सबको सुमार्ग पर लाने को दुर्योधन को समझाने को भीषण विध्वंस बचाने को भगवान हस्तनापुर आए पांडव का संदेश है। क्या तो क्या कह रहे हैं कि तो न्याय अगर तो बाधा दो पर इसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम रखो धरती अपनी तमाम हम वही खुशी से खाएंगे भजन पर असीना मनाएंगे। दुर्योधन भयभीत दे न सका आशीष समाज की ले न सका उल्टे हरि को बांधने चला जो था असाध्य साधने चला जब नाश मनुष्य पर छाता है पहले विवेक हो जब नाश मनुष्य पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। हरि ने भीषण अहंकार किया अपना स्वरूप विस्तार किया डगमग डगमग दिग्गज ढोले भगवान को बधो कर बोले जंजीर बड़ा करवान मुझे हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे यह देख कमन मुझ में ले है यह देख पवन मुझ में विलीन संसार सकल मुझ में ले है झंगार सकल अमृत फूलता है मुझ में संहार ढूंढता है मुझ में उदया चल मेरा दैत्य भाल भूमंडल वक्ष स्थल विशाल भज पर अधिपत को घेरे है मैनाक मेरे पग मेरे हैं और दिव्य तेजो ग्रह नक्षत्र निकल सब है मेरे मुख के अंदर। जब हम रो नहीं पाते सुख से सो नहीं पाते जब हम खो नहीं पाते तब बचपन याद आता है। जब चिंता सताती है हमारे तन को खाती है जब भी मन नहीं मिलता जब सपने सताते हैं तब बचपन याद आता है। ये इसको बीच में ही रोक रहा हूं ताकि क्या रील बनाई जाती है ना चाहिएगा देखो ना रजिस्ट्रार साहब को मन है जावे को ने हमारा मन है ने आपको मन है लेकिन तो जी जी जरूर जरूर सर आपके मुख से एक बार सिर्फ तांडव सुनना चाहूंगा एक बार सर जिस तरह फूल के पास भंवरा पहुंच जाता है तो फूल खिल जाता है तो सर इसीलिए आप विश्वविद्यालय में बना रहे इसको लेकर मैंने आपके लिए बहुत बड़ी अच्छा से 3D आर्ट बनाया है 10 घंटे की कड़ी मेहनत आप लोगों में से बहुत कम लोगों ने पढ़ी होगी तो अब हमारा निवेदन है कि दोनों किताबें पढ़ना मंगाना पैसे खर्च करना है। पैसे इसलिए खर्च करना कि जब हमारे यहाँ ये कहा जाता है ना सर जैसे जब कभी तीर्थों पे अपन जाने लगते हैं
अपन हम नहीं जा रहे। तो मन में ये इच्छा थी तो वो हमारे पास ही आया, कॉमन मैन विलन जिसको आप ये कहते हैं, जैसे कॉमन मैन हीरो का किरदार श्री अमिताभ बच्चन के हिस्से में जंजीर के समय मिला था, ऐसे ही कॉमन मैन विलन को इंट्रोड्यूस करने का सौभाग्य आशुतोष राणा को मिल गया, जिसका सम्मान आपके जीवन में प्यारे से ज्यादा। तो मैं यही मानती चलता हूँ जी, आपको ये बता दिया जाता है कि नहीं फला आदमी बड़ा रुतबे वाला है, इसके पास इतनी बड़ी संपत्ति है या इसकी इतनी बड़ी टीम है और वो लगातार इसका इतना खौफ है, ऐसा कुछ नहीं। इतनी सुना रहे हो गया अज्ञातवास पांडव लौटे वन से साहस, हम जो एक लाइन इसमें बोलती भी जाने मानियो करवा भाई याद नहीं है, हमें सब याद है जैसे, मगर समय की बाध्यता है। सर ये सर एक सवाल मेरा भी है सर, मैं आपसे पूछूंगा।